हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले हम तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसको मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एक पॉइंट को। एंड तक आप बने रहें, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन मतलब होता है डिक्रीज करना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है, तो उसकी वजह से वाटर का फ्रीजिंग, जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने उसमें नमक डिजोल्व कर दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, -2 डिग्री -3 डिग्री -4 डिग्री। तो जो डिक्रीज हुआ है साल्ट ऐड करने से उसके अंदर सॉल्यूशन बनने के बाद, जो टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं बेटा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल। आप कहेंगे सर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसको ग्राफिकल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो हम करते क्या है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में बात की थी, तो वहां हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कहां निकालते हैं, तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी उसी का जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है, जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लो मैं इस टाइम वाटर लेता हूं, इस टाइम की बात करें तो इस टाइम टेम्परेचर पानी का कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट करना है, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। यहां हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर और यहां हम ले लेते हैं टेम्परेचर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, मैंने एक सोलवेंट लिया, जो भी आप वाटर, हम वाटर मान के चले, वाटर या कोई भी सोलवेंट ले सकते हैं वोलेटाइल। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाएंगे, तो क्या होगा, जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, मगर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मेरा क्या मतलब है कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है, सपोज करिए आपने वाटर लिया, वाटर को आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर को डाउन करूंगा, तो वो सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आइस बन जाएगा। मगर जो ये पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है, दे आर एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, बड़े ध्यान से इस लाइन को सुनना, कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, मैं कहूंगा आइस का मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस एंड वाटर बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सपोज करिए मैं आइस ले रहा हूं और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टाइम पर स्टूडेंट जो टेम्परेचर होगा, मैंने नीचे कल इसके बीच में प्लॉट किया टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, TF नोट। अब आपने सर ये TF नोट क्या है, तो TF नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी आपने सॉल्वेंट लिया उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, जैसे आपने साल्ट ले लिया, शुगर ऐड कर दिया, यूरिया ऐड कर दिया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप जब डालेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्वेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में,
और आपको पता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में आपने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो जब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया स्टूडेंट, सॉल्यूशन, अभी हमारा सॉल्यूशन हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, अब फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे इसका टेम्परेचर घटाएंगे, करते गए और एक पॉइंट के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट में। एक्चुअल में जो हमने चीनी डाली है या नमक डाला हो तो सॉलिड ही है, लिक्विड सॉलिड में कौन कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्वेंट। तो यहां पे इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया। इस पॉइंट पर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये टेम्परेचर में मेरा क्या कहलाएगा, टीएफ। तो टीएफ क्या कहलाएगा स्टूडेंट, टीएफ कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई पूछे आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि डेल्टा टी एफ क्या होगा स्टूडेंट, टी एफ नोट माइनस टी एफ नोट माइनस टी एफ। याद रखिए डेल्टा टी एफ हो गया, डेल्टा ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चेंज हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये जो हमारा चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज गया है, उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर है आपको? और सेम जो इसकी डेरिवेशन है, मैं यहाँ पे ज्यादा डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, सेम मैंने आपने अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो इससे पहले आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देख लें। तो वहां मैंने डिराइव कराया था डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, तो जहां पे टी वी था वहां टी एफ आ जाएगा, जहां के वी था वहां के एफ आ जाएगा, बाकी सारा कुछ क्या है सेम है। तो हमारा जो यहाँ पे फार्मूला डिराइव होकर आता है स्टूडेंट, जब हम इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो सेम वही डेरिवेशन करनी है जो आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में की थी, जहां पे के वी था वहां के एफ लिख देंगे, जहां पे डेल्टा टी वी था वहां डेल्टा टी एफ लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं, सेम वही प्रोसीजर चलेगा आपका। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां पे स्टूडेंट के एफ क्या है, के एफ इज ए क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये क्या है हमारा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डिफाइन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलर एलिवेशन, सॉरी मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अराइज होता है कि सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सेम वही पैटर्न जैसे हमने एलिवेशन में किया था, क्या इफ m इक्वल टू वन, अगर हम m की वैल्यू वन ले लें, मोलैरिटी जो है हमारी वन ले लें, तो हमारा जो के एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी टेकन एज यूनिटी। तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हमको समझ के चलना है, तो हम बिल्कुल आराम से डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी टेकन एज यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन आता है सर यूनिट्स क्या बनेंगे, तो सेम वही यूनिट्स जो के बी के थे वही के एफ के हैं। अगर हम फार्मूले को ध्यान से देखें तो मेरा के एफ क्या होगा, के एफ हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ क्या है, केल्विन टेम्परेचर है, मोल मोलैरिटी यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर केजी, क्या होते हैं यूनिट स्टूडेंट, मोल पर केजी। तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और बुक्स में कई बार जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसे लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, उसका मीनिंग क्या होता है, केल्विन पर मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कई बार स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा होता है तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री सेल्सियस ओब्लिक एम, क्योंकि जो डेल्टा टी एफ है हमारा स्टूडेंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, याद रखना इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब भी मैं बताऊंगा और अब भी बता रहा हूं, कभी भी आपने डेल्टा टी एफ के यूनिट्स को चेंज नहीं करना, वो केल्विन में दिया तो केल्विन में रहने दो, सेल्सियस में दिया सेल्सियस, क्यों, क्योंकि जो चेंज होता है वो हमेशा सेम रहता है, उसको हम बात करेंगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा डिटेल में था। तो यही मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो में आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो यहां तक क्लियर स्टूडेंट,
अब आता है के एफ को निकालने के लिए एक और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने के बी में इस्तेमाल किया था स्टूडेंट कि मोल अगर हमें एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन हो, एलिवेशन में क्या गिवन था एंथोल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन हो, तो हमने पिछला कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन हो, तब कैसे के एफ की वैल्यू निकालते हैं, एनसीईआरटी में आपके गिवन है तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट हम, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, के एफ इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वेयर, आर टी नोट स्क्वेयर अपॉन 1000 एलवी, सॉरी यहां पे एलवी नहीं आया, एलवी हमने वेपोराइजेशन किया था, एलएफ एंथोल्पी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। न्यूमेरिकल स्टूडेंट में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वहां पे इनके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले आपको याद करने, टी नोट क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, जो प्योर सोलवेंट है आपका उसका फ्रीजिंग पॉइंट, आर आपको पता है कॉन्स्टेंट होता है। अब इसी तरह अगर मुझे अगर एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है तब क्या फॉर्मूला आ जाता है एम वन आर टी नोट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ, जहां पे डेल्टा एच एफ क्या है स्टूडेंट एंथोल्पी, डेल्टा एच एफ क्या है एंथोल्पी, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में कर रखा है एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन, जब हम क्या कर रहे हैं एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है हम सॉलिड से लिक्विड की बात करते हैं, तो वहां पे हम एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंथोल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो एम वन है वो क्या है हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, और कौन कौन से मेथड हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डालते हैं, इन सब पॉइंट्स को स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, अभी तक के लिए यहीं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।